हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड आज मैं आप लोगों को किचन से वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं सबसे पहले आप लोगों को डिनर की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, देन उसके बाद ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। एंड आज की जो रेसिपी है गाइस, जो मैं बता देती हूँ, वो थोड़ा सा यूनिक है, शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा, बट खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने देखा है बनाते हुए किसी को, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाऊंगी, टोटल रेसिपी शेयर करूंगी। एंड होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। एंड ज़रूर घर में बना के टेस्ट करके कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। एंड थोड़ा सा मैं बता देती हूँ पहले से ही, वो जो पकौड़ियाँ हैं, कौन सी पकौड़ी, वो आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा, बट मैं अभी से बता देती हूँ। जो पकौड़ियाँ हैं ना, वो मैंने पहले ही बना दिया है, देन मुझे याद आया कि ब्लॉग स्टार्ट करना था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए पकौड़ी में जस्ट मैंने बेसन, नमक एंड अजवाइन ही ऐड किया है, एंड उसको मैंने अच्छे से थोड़ा डीप फ्राई कर लिया है। तो बता दिया मैंने पकौड़ा कैसे बनाया है, तो चलो वीडियो में चलते हैं एंड देख लेते हैं हमारे आज की डिनर रेसिपी में क्या बन रहा है। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी बिकॉज टीवी चल रहा है उस रूम में, एंड मेरी सब्जी बनने लग चुकी है। तो क्या क्या तैयारी मैंने की है, कैसे बन रहा है रेसिपी, सब रहेगा आगे ब्लॉग में, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड आज का ब्लॉग में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि एंड ऑफ द ब्लॉग या मिडिल या कहीं पर भी मैं अपने ईयरिंग्स कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रिक्वेस्टेड आई है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए झटपट से रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। कढ़ाई मैंने बैठा दिया, कढ़ाई गरम हो चुकी है, देन उसके बाद मैंने तेल भी ऐड कर दिया था गरम होने के लिए। एंड तेल भी हमारी गरम हो चुकी है, तो मैंने दो बड़े बड़े ग्रीन चिलीज रफली चॉप करके उसमें ऐड कर दिया है। देन उसके बाद ज़ीरा ऐड कर दिया है, एंड इसे हम लोग थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चटक जाए, थोड़ा सा भुन जाए। देन उसके बाद मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है अनियन, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। एक मीडियम साइज़ अनियन मैंने रफली चॉप करके उसमें ऐड कर दिया है। एंड अब सब को भून लेते हैं अच्छी तरीके से। एंड जब ये एक बार अच्छे से भून जाए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ब्राउन हो चुका है, एंड अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक पेस्ट। इस पेस्ट में है टोमेटो, अदरक एंड गार्लिक, बस ये तीन ही हैं। ये तीन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मैंने प्यूरे बना दिया था। एंड अभी हमें इसे अच्छी तरीके से उबालना है ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से कुक हो सके। एंड इस स्टेज में मैं सारे जो ड्राई मसाले हैं वो भी ऐड कर दूँगी, जैसे कि एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची, रेड चिली पाउडर, मैंने ग्रीन चिली भी ऐड किया है तो इसलिए रेड चिली थोड़ा सा कम। देन उसके बाद हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी भी ऐड कर दिया है। एंड अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा लिक्विड मसाला एंड ड्राई मसाला दोनों ही अच्छे तरीके से भून जाए। तो मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी ताकि ये अच्छे से एक उबाल आ जाए। एंड ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छी तरीके से कुक होने लग चुका है। ये जो कढ़ाई है ना गाइज, ये जल्दी से गर्म हो जाती है, थोड़ा सा पतला है तो नीचे थोड़ा सा लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मसाला जल चुका है। मैं बहुत दिनों से इस कढ़ाई में ही बना रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। आप लोगों को देख के लग सकता है कि मसाला जल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी एंड और 1/2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से कुक हो सके। एंड जैसे कि देख पा रहे हो कि मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, तो मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है। एंड नमक ऐड करने के बाद भी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। एंड जितना भी सारा मसाला ऐड क्यों ना कर दो गाइस, भुनना मसाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ही सब्जी में टेस्ट आती है। तो मसाला अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है, तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दूंगी ताकि इसमें एक अच्छा खासा उबाल आ जाए। एंड उसके भी पहले मैं थोड़ा सा गर्म मसाला का पाउडर ऐड कर दूंगी, 1/2 से भी 1/2 टेबल स्पून ऑफ, एंड थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि गर्म मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देन उसके बाद जितना हमें पानी चाहिए होगा हमारे पकौड़ियों को एंड सब्जी में, तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड देन उसके बाद मैं इस वाले पकौड़े की बात कर रही थी जिसमें मैंने जस्ट बेसन, नमक एंड अजवाइन ही डाला हुआ है, एंड हाथों हाथ मैंने आलू भी फ्राई कर दिया था। तो ये पकौड़ी एंड आलू भी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें आ चुकी
चुकी है एक अच्छी खासी उबाल। आप चाहे तो ये पकौड़ियों को तोड़ के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं तोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने इसको स्लो फ्लेम में अच्छे से कुक करना है ताकि ये अच्छे से सारे जो रस्सा है हमारे पकौड़ियों के अंदर जा सके। तो मैंने इसमें 5 to 7 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम में ढक के पका लिया है। देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितना टेस्टी एंड खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देन उसके बाद जब तक मेरी सब्जी उबल रही थी मैंने आटा भी गूंद लिया था एंड हाथों हाथ जो बर्तन थे दोपहर के वो भी मैंने धुल लिया था। एंड आप लोगों को कल के ब्लॉग में ही मैंने बताया था कि मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ, बट हाँ सही में भी मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाते खाते ही हमारा 12:30 बज जाता है। तो उतने रात को बाहर ठंड में जो वेदर ठंडा लगने लगा है तो इस वक्त मैं बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोती थी। एंड अब जब मैंने बर्तन धोए हैं तो सच बताऊँ तो टाइम हो रहा था 9:30 समथिंग हो रहा था, हाँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए। एंड साथ में बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, बहुत सारे आंटियाँ भी थी, भाभियाँ भी थी, तो मुझे लगा कि चलो सब हैं ही सही तो मैं जल्दी से बर्तन धो ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने धो दिया था। तो ये सारे बर्तनों को मैंने टब में सेट भी कर लिया है। एंड अब बारी आती है डिनर की। तो डिनर में जस्ट मैंने ये आलू पकौड़े की सब्जी बनाई थी एंड रोटी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। गाइस ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी थी, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये जल्द से जल्द बन जाता है अगर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो तो। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं और मेरे हस्बैंड डिनर कर रहे थे, साथ ही थोड़ा थोड़ा बातें चल रही थी हमारे दिन भर की, क्योंकि आज वो लेट से भी आए थे, 11:30 समथिंग वो आए थे, तो हमारा डिनर करते करते लेट हो गया था। बट बाबू को हम लोगों ने टाइम पे ही डिनर करवा दिया था, 10:00 के अराउंड हमारा इस वक्त ही डिनर होता है। ज़्यादा लेट हम लोग बाबू को नहीं खिलाते हैं, हम लोग लेट खा ले तो चल जाता है बट बाबू को बिल्कुल भी लेट नहीं खिलाते हैं। और वैसे भी उसका तो पता ही है आप लोगों को तो मैंने ब्लॉग शेयर किया हुआ था, तो इसलिए डाइट को हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम टेबल में रख के थोड़ा सा सेट रहें ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल मॉर्निंग में एंड फिर आगे का ब्लॉग देखते हैं मज़ेदार वाला। कौन टा खा भी बस सिर्फ एटा खा भी। गुड मॉर्निंग गाइज, ये है दूसरा दिन का मॉर्निंग का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। एंड ये सारे जो बिस्किट्स हैं स्नैक्स हैं ये हस्बैंड रात को लेके आए थे, तो रात को मैंने रख दिया था साइड में अच्छे से सैनिटाइज करके। एंड मॉर्निंग में क्योंकि बाबू सुबह उठ के थोड़ा बिस्किट खाता ही है, आप लोगों को तो पता ही है। एंड ब्रेकफास्ट टोटल जो टिपिकल ब्रेकफास्ट खाने से पहले वो सुबह उठ के बिस्किट खाता ही खाता है, तो इसलिए हम लोग बिस्किट लाते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सा बिस्किट लेके आए हैं एंड कौन कौन सा बाबू को पसंद है एंड कौन कौन सा बाबू खाने वाला है। आई बोले देखी तोर की अच्छे तो खाना बस उधर साइड है। सबसे पहले है दाड़ा हमें दीची तो बाबू। सबसे पहले है ये बाउंस का इलायची क्रीम एक है, देन उसके बाद दो है, ठीक है। फिर उसके बाद आया है ये, एक मिनट, ये आया है गुड्डे का दाड़ा, एक मिनट। अब फिर मैं जमा कर लूँगा ना। हाँ मैं तुमको हाथ में दूंगी फिर जमा करना। ये है ब्रिटानिया गुड्डे का कैस्यू आमंड कुकीज, ओके बाप रखेगा। देन उसके बाद है ये बाउंस का दाड़ा, बाउंस का ऑरेंज क्रीम, ये ना। और उसके बाद और एक ऑरेंज क्रीम रखो इसको। ऐसा हर बार लेकर नहीं चिपके जाए। तो फिर ये मॉम्स मैजिक का कैसियो, ये है ना ब्रिटानिया नाइस टाइम का न्यू वाला पैकेट जो कि इसके ऊपर ऐसे चीनी शुगर से रहते हैं ना कोकोनट फ्लेवर वो वाला है, रखो इधर। देन उसके बाद है फिर से और एक पैक ये वाला, यहाँ पे भर के हम लोगों ने रख लिया है, कोई फ़ायदा नहीं है बाबू से जमाया नहीं जा रहा। देन उसके बाद ये मॉम्स मैजिक का आमंड एंड कैशियू का, देन उसके बाद और एक नाइस टाइम का, देन उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। फिर मोनेको का ये वाला पैक, ये वाला ऊपर लगना है ना। फिर ये दूसरे मोनेको का पैक,
पनीर आया है, ये फिर से नाइस टाइम का तीसरा या चौथा पैकेट है। देन उसके बाद ये मॉम्स में गुड डे का कैस्यू आमंड फ्लेवर, तो ये है इतना भंडार हो गया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इसमें से बाबू कौन सा खाने वाला है कोई बताएगा मुझे? जो जो बता पाएगा उसको मिलेगी बहुत सारी बिस्किट। तो देख लिया आप लोगों ने, ये थोड़ा सा ही स्नैक्स लेके आए थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कौन कौन सा आप लोगों को पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड अब मैं करा देती हूँ बाबू को नाश्ता एंड हम लोग भी अपना चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में पोहे ही बनाए थे एंड पोहे बहुत ईजीली बन जाता है, साथ ही साथ जल्दबाजी में ये जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा काम आता है, तो ज़्यादातर मैं सुबह पोहे ही बनाती हूँ एंड हस्बैंड को भी पसंद है एंड मैं भी खा लेती हूँ, दोपहर तक मेरा हो जाता है तो मैं पोहे ही बनाती हूँ। एंड दो दिन से बाबू का तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक है, तो बाबू जा रहा है मदर इन लॉ के घर में दोपहर को, तो इसलिए दोपहर को लंच नहीं बन रहा, तो मेरा दोपहर तक भी ये चल ही जाता है। तो सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, थोड़ा सा ही मैंने चाय बिस्किट खाई हुई थी, तो अभी लंच टाइम है तो मैं लंच कर रही हूँ एंड लंच के साथ मतलब लंच में पोहे एंड चाय पी रही हूँ। एंड आप लोगों ने लंच में क्या खाया या क्या पिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रंट कैमरे के सामने। हेलो गाइस, एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने लंच कर लिया है, लंच करके मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ जो मेरा इयर रिंग्स कलेक्शन है वो शेयर कर सकूँ। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करके मैं शेयर कर देती हूँ, थोड़ा बहुत भी जो है मेरे पास वो मैं शेयर कर देती हूँ। एंड और एक बात बता दूँ गाइस, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, शो ऑफ करने का कुछ है भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही है मेरे पास, तो थोड़ा सा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। तो चलिए दिखा देती हूँ, एंड गोल्ड वाले इयर रिंग्स का कलेक्शन मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, जस्ट मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल जो ऑक्सीडाइज्ड एंड इमिटेशन या गोल्ड प्लेटेड जो भी कहते हैं वो सारे जो इयर रिंग्स है उसके कलेक्शन दिखा देती हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे एंड आप लोगों को अच्छा लगे ये ब्लॉग। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके हमारा जो इयर रिंग्स कलेक्शन है वो देख लेते हैं। और भी जो कलेक्शन है मैं लेके आ चुकी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ, एंड कौन कौन सा आप लोगों को अच्छा लगेगा या कौन कौन सा अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं सारा यहाँ पे सजा लेती हूँ, देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वन बाई वन ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। तो ये है कलेक्शन मेरा जो कि मैंने सेट कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा पाऊँ, थोड़ा सा ही कलेक्शन है, ज़्यादा नहीं है बट जो भी है मेरे लिए इनफ है, इनफ तो नहीं है बट जो भी है मैं खुश हूँ इससे फ़िलहाल के लिए। एंड इन फ्यूचर और ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर लूँगी, शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ, बट अभी के लिए जितना है वो उतना ही मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलिए एक इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कलेक्शन है मेरे इयर रिंग्स का, मैं ये वाला रेड कलर का इयर रिंग से देख पा रहे हो, होप यू कैन सी फोकस, ये एंड ये बहुत ही प्यारा सा रेड में गोल इयर रिंग है जो कि पीछे की तरफ ऐसे वाला है एंड ये बहुत ही प्यारा दिख रहा, होप यू कैन सी। एंड आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, चाहे आप साड़ी के साथ या सूट के साथ या कुर्ती के साथ भी इसे पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। देन उसके बाद ये पर्ल का कलेक्शन मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, सेट है बहुत ही प्यारा सा देख पा रहे हो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल का है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड इसके पीछे का साइड भी ऐसा ही है जो इजीली अपने ईयर्स को पेन नहीं देगा, इजीली एडजस्टेबल है, कम ज़्यादा करके आप पहन सकते हो। एंड ये कलेक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आपका कौन सा वाला अच्छा लगा वो भी स्क्रीनशॉट डाल के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में। तो ये है सेकंड वाला। देन उसके बाद और एक पर्ल में सेट में आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये भी हुक टाइप का है देख पा रहे हो, हुक टाइप का, एंड ये बहुत ही प्यारा सा है, आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, ज़्यादातर कुर्तियों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एंड आप लोगों को कैसा लग रहा बताना ज़रूर।
देन उसके बाद ये एक ऑक्सीडाइज ईयरिंग है जो कि ऐसे वाला पैटर्न में है. होप यू कैन अंडरस्टैंड. होप मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी. एंड इसका कुछ डिज़ाइन जो है कुछ इस टाइप का है, दिख रहा होगा आप लोगों को अब. बहुत ही प्यारा सा है ये भी. कैसा लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर कीजिएगा. देन उसके बाद और एक ऑक्सीडाइज में ही दिखा रही हूँ सिल्वर पैटर्न में. ये भी लटकन वाला है एंड इसका पैटर्न ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है. ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है एंड बहुत ही प्यारा वाला है. ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में मुझे राजवाड़े पे मिली थी तो मैंने लिया हुआ था. रेट में नहीं बता सकते क्योंकि नहीं याद है, बट हाँ अफोर्डेबल ज़रूर था. बट डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को कमेंट ज़रूर कीजिएगा. देन उसके बाद एक हुक प्लस झुमका टाइप का पैटर्न में है ये वाला. ये ऐसे करके लग जाता है बहुत ही ईजीली एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट के साथ साथ बहुत ही ट्रेंडी लुक भी देता है. ये सारे इयररिंग्स मैं रोज़ रोज़ नहीं पहनती हूँ, बट जब भी पहनती हूँ आप लोगों को शेयर ज़रूर करती हूँ कि मैंने कौन से ड्रेस के साथ कौन सा इयररिंग पेयर अप किया है. देन उसके बाद एक ये वाला कलेक्शन है जो कि आप चेन के साथ भी पहन सकते हो. एंड इसका ये पीछे की तरफ ऐसा स्टर्ड है एंड ये है बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना प्यारा सा डिज़ाइन. आप इधर भी चेन लगा के इधर से पहन सकते हो या इधर से भी चेन लगा के आप पहन सकते हो. जौन सा भी डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगा आप वैसा करके पहन सकते हो उसे. उसके बाद और एक ऑक्सीडाइज ईयरिंग में से एक है ये वाला, बहुत ही प्यारा सा. एंड ये मुझे वन ऑफ माय फेवरेट कलेक्शनों में से है क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ट्रेंडी, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, बहुत ही प्यारा सा है ना. बताना ज़रूर आप लोग भी कमेंट करके आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला ईयरिंग्स. इसका पीछे की तरफ का ऐसा है. देन उसके बाद सिंपल सा एक रेड झुमकी है जिसका एक सेट भी है. सेट नहीं दिखाऊंगी, सेट का कलेक्शन बताओगे आप लोगों को देखना तो मैं शेयर करूंगी. ज़्यादा सेट नहीं है मेरे पास, बट जितना भी है मैं ज़रूर शेयर करूंगी. तो ये एक ईयरिंग सेट है. देन उसके बाद इस नवरात्रि में ये वाला ईयरिंग्स मैंने पहना हुआ था. अगर आप लोगों ने ब्लॉग में नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो. ये मैंने नया परचेज किया हुआ था एंड ये मेरा ग्रीन वाला ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मैचअप लग रहा था तो मैंने ये वाला भी राजवाड़े से ही लिया हुआ है. इसके भी पीछे का तरफ ऐसा है. देन उसके बाद और एक ट्रेडिशनल झुमकी, बहुत ही क्लासी सा मुझे लगता है ये झुमकी. एंड किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, किसी के साथ भी आप इजीली देख पा रहे हो. ये बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा सा पर्ल प्लस स्टडेड एंड यहाँ एक बड़ा सा पर्ल भी दिया हुआ है. इसका पीछे का तरफ का ऐसा है. इजीली आपके कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा. एंड इसका भी सेट है जो कि मैं अलग से एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बट आज के ब्लॉग में जस्ट मैं ईयरिंग शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये जो स्टेटमेंट टाइप का ईयरिंग्स होता है ना आप बिना सेट के साथ भी पहन सकते हो एंड ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्लासी, सोवर, बहुत ही ट्रेंडी लुक देता है. देन उसके बाद और एक स्टेटमेंट ईयरिंग है ये ब्लू कलर का. इसको मैंने ज़्यादा नहीं पहना हुआ है तो इसलिए अभी भी अच्छा भला ही है. एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टेटमेंट ईयरिंग है. ब्लू कलर की साड़ी, ड्रेस, सूट, कुर्ती के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ना. आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसी लग रही है ये वाली. देन और एक प्यारा सा ईयरिंग्स मैंने लिया हुआ है.
ये वाला सूट साड़ी किसी के साथ भी पेयर अप किया जा सकता है, बहुत ही ट्रेंडी सा, क्लासी सा, रेड ब्लू ग्रीन किसी के साथ भी पहन सकते हो। एंड मैं इसे जल्दी पहनने का सोच भी रही हूँ, तो ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, मैं इसे किसी साड़ी के साथ तो ज़रूर पहनूँगी, आप लोगों को जल्दी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसका भी पीछे का साइड ऐसा है, अच्छा लग रहा ना। देन और एक झुमकी है, लास्ट झुमकी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि ये स्टडेड है ना, तो एक एक अगर डायमंड जिसे कहते हैं नकली डायमंड, होप यू कैन अंडरस्टैंड, तो ऐसा वाला अगर एक भी पत्थर गिर जाता है ना तो बहुत ही गंदा दिखता है, तो थोड़ा सा संभाल के इसे रखना पड़ता है। बट ये क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने बहुत बार इसे पहना हुआ है तो एक भी अभी तक जो पत्थर है ना वो गिरे नहीं है, तो इसका साइन ही अभी तक जैसे कि वैसे ही है। एंड इसके साथ मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये जो चेन है ना, ईयर चेन, ये मिला हुआ था, तो मैं चेन बहुत कम पहनती हूँ, बट जो ईयर रिंग्स है ना इसे मैंने बहुत बार पहना हुआ है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये भी इसके साथ मैचअप करके पहना जा सकता है, एंड कभी बोलोगे तो मैं इसका भी लुक आप लोगों को क्रिएट करके ज़रूर दिखाऊंगी, बट अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए ये ईयर रिंग्स कलेक्शन आप लोगों के लिए इनफ होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि वादा किया था आप लोगों के साथ, मैंने अपना ईयर रिंग्स कलेक्शन शेयर कर दिया, कैसा लगा बताना ज़रूर। तो कैसा लगा मेरा ईयर रिंग्स कलेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड और भी कुछ देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड जिसने भी मुझे ईयर रिंग्स कलेक्शन का सजेशन या रिक्वेस्ट किया होगा उसका नाम मैं दे दूंगी स्क्रीन में, एंड होप उनको अच्छा लगा हो एंड आप सबको भी अच्छा लगा हो, कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर गाइज। एंड इसी नोट पे आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा रात का डिनर रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। एंड चलिए फिर इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ मैं अलग से एक अमेजिंग सा ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।